हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम वीडियो मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8C। तो पिछले वीडियोस में भी हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम आपको बता चुके हैं, आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे कि लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होता है और फिर वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वैसा इक्वेशन जो आपका a नॉट इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर वाई डबल डैश, यहाँ पे वाई डबल डैश का मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन इंटू ए एक्स प्लस बी वाई डैश प्लस ए टू वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, जो इक्वेशन आपका इस फॉर्म में हो तो इसी को हम बोलते हैं लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीजेंड्री लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो वही आपको भी हम प्रोसीजर बताने वाले हैं। तो आपको देखते जाना है कैसे हम लाइन वाले हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि t इक्वल टू होता है आपका सब्स्टिट्यूशन log ऑफ ax प्लस b। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए, जब आप t को जो है रखेंगे log ऑफ ax प्लस b के इक्वल, तो इसी हिसाब से आपको dy बाई डी एक्स या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी चेंज करना होगा, क्योंकि आपने जो t इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b सब्स्टिट्यूट किया। या फिर और कहें तो इसको ये भी कह सकते हैं e टू दी पावर t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ax प्लस b, क्योंकि t इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b था तो log का बेस क्या है e है, तो ये LHS में आ जाएगा तो e टू दी पावर t हो जाएगा। तो देखिए, अब dy बाई डी एक्स कैसे चेंज होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहां से जो है dt और dt आपका कैंसिल हो जाएगा तो बाद में आपका dy बाई डी एक्स ही बचेगा। तो देखिए, ये इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू t इक्वल टू आपने कंसिडर किया था log ax प्लस बी, तो dt by dx क्या हो जाएगा, इसको जो है आप x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका log of ax प्लस बी का पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 by ax प्लस बी इंटू फिर आपका ax प्लस बी का क्या हो जाएगा a। तो देखिए, ax प्लस बी को जब आप LHS वाले टर्म में लेके आइएगा तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी इंटू dy by dx इक्वल टू a इंटू dy by dt। फर्दर हम कंसिडर कर लेते हैं कि कैपिटल डी का मतलब है यहां पे आपका डी बाय डी टी। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी वाई बाई डी टी को इक्वल टू ए डी वाई, तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कहने का मतलब है यहां पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं ये था आपका ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं, कहने का मतलब है कि हम इक्वेशन वन को जो है फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ताकि आपका इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो देखिए, जब आप इस इक्वेशन को जब आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स, तो क्या होगा, और आपको एक चीज याद रखना है, याद नहीं रखना है, कहने का मतलब है जब आप इसको डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जो आपको होता है आपको पता है कि u इंटू v रूल आपका क्या होता है यू वी डैश प्लस यू डैश v, तो ये आपको डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पता है u इंटू v या फिर प्रोडक्ट रूल। तो देखिए, यहां पे जो आपका प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, क्योंकि हम इक्वेशन वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बोथ साइड्स LHS में भी और RHS में भी। तो देखिए, ये है आपका u और ये है आपका v, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि dy बाई डी एक्स को एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन यानी ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका a इंटू v, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब RHS वाले टर्म को देखते हैं। तो देखिए, RHS वाले टर्म में आपका क्या है a इंटू, अब dy का मतलब क्या होगा आपका dy बाई डी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू d बाय डी एक्स ऑफ dy वाई बाई डी टी। तो देखिए, अब हम RHS में कुछ चेंजेस करेंगे ताकि जो है आपका इससे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको मिल सके। तो देखिए, a इंटू डी बाई डी एक्स और इंटू dy वाई बाई डी टी, इसमें हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, तो क्या चेंजेस करेंगे वो देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ax प्लस बी इंटू डी टू वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब देखिए ये डी एक्स को जो है हम ब्रैकेट के अंदर लेते जाते हैं और डी टी को बाहर ले लें, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए ये जो है एक्चुअली इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पे जो है आपका ये dt और ये dt आपका कैंसिल ही हो जाएगा, और जब ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर से जो है आपको ये dy dt ऑफ dy बाई डी एक्स मिलेगा, क्योंकि हम इन दोनों का आपस में पोजीशन चेंज किए हैं, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको जो है मेनली लास्ट का जो रिजल्ट है वो याद रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिंपली हम dt और dt से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए। तो देखिए अभी हम dt by dx का जो है अभी वैल्यू फाइंड किए थे, dt by dx क्या लिख सकते हैं a by ax plus b, तो फिर से हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू a into, अब देखिए ये d by dt of dy by dt, यानी आप dy by dt पहले से था और उसको फिर से आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे आप dy by dx को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाता है d2y by dx square, सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा d2y by dt square into, अब देखिए dt by dx यहां से आपका क्या आया था a by ax plus b। तो देखिए यहां पे मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए जो है पहले ये वैल्यू आपका इक्वेशन वन जो आया था वो हम लिखने जा रहे हैं ऊपर। तो इक्वेशन वन आपका क्या आया था एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए डी वाई। तो देखिए जब आप ये a इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू ए बाई एक्स प्लस बी ये आपका आ गया, तो फर्दर हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी को जो हम एल एच एस वाले पार्ट में भेजेंगे। तो देखिए जब आपका ये ए एक्स प्लस बी ये जो है आपका ये एल एच एस वाले पार्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एल एच एस वाला पार्ट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए एक्स प्लस बी dy by dx इक्वल टू, अब देखिए RHS में आपका क्या बचेगा a into a यानी a square, और देखिए आपने कंसीडर किया है कैपिटल D का यहाँ पे क्या मतलब है d by dt, तो आप d2y by dt square को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे d square y। ये आप पिछले वीडियो में भी आपको पता है कि कैसे इसको हम d square y लिखें, पहले आप प्रॉब्लम इस पे सॉल्व कर चुके हैं जहां पे आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना सिखाए थे, तो वहीं पे आपको बताए थे इसको हम d square y कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आप फर्दर जो है ये ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आया था ए डी वाई, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू फिर ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम रख देंगे ए डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। तो अब हम ये वाले टर्म को आरएचएस में भेज देंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए जब ये वाला टर्म आपका आरएचएस में चला जाएगा तो आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर डी वाई, क्योंकि ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई तो था ही, तो ये हो गया। तो अब दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई, और आप इसमें वाई भी कॉमन ले सकते हैं, कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर आप इन दोनों टर्म्स में से जब आप d कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, तो इसको हम इक्वेशन टू कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इसको जनरलाइज करने वाले हैं, कहने का मतलब है जब आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ध्यान से देखिएगा तो देखिए ax plus b into dy by dx equal to a into dy था,
और फिर ए एक्स प्लस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। तो जब आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो जैसे जैसे डिफरेंशियल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इंक्रीज हुआ, कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर था, तो वैसे जो है आपका ए का पावर भी यानी वैसे इंक्रीज हुआ और आपका एक टर्म यानी डी इंटू डी माइनस वन वैसे आपका एक नया टर्म आया है डी माइनस वन। तो देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की तरह अब हम एक वैल्यू लिखने जा रहे हैं आपका, सॉरी आपका होल स्क्वायर था यहाँ पे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा जब आप ये क्यूबिक में होगा, कहने का मतलब है ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसको हम इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू डी माइनस वन। ए क्यूब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर थ्री हो गया, तो ए क्यूब इंटू डी माइनस वन। अब एक और नया टर्म एड हो जाएगा इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। तो ऐसे ही अगर आपका ये nth ऑर्डर का रहता तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब है ax plus b whole to the power n dn y by dx to the power n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a to the power n into d minus 1 into d minus 2 और ये आपका so on चलते रहेगा, कब तक जाएगा ये d minus n minus 1 into y। तो देखिए आपको जो ये एक्चुअली डेरिवेशन नहीं आने वाला है एग्जाम में, तो अब आपको इसमें कौन कौन सा बात आपको याद रखना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपका ये वाला जो आपका सब्स्टिट्यूशन हम किए थे t इक्वल टू log ax प्लस बी, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू आपको याद रखना है कि जैसे ही आप t इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो देन आप डायरेक्टली ये वैल्यू आप एग्जाम में आपको ये डिराइव नहीं करना है, आप डायरेक्टली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे आपका ये वाला टर्म होगा उसके जगह पे ये। तो देखिए ये सेकंड ऑर्डर का ही है, तो इसमें जो है जहां तक ही जाएगा आपका क्यूबिक वाला नहीं आएगा, लेकिन क्यूबिक वाले के लिए भी अभी आपको वैल्यू बताएं और आपको nth ऑर्डर के लिए भी बता चुके हैं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम में क्या होगा क्वेश्चन वैरी करेगा, कहने का मतलब यहाँ तो आपका डिग्री ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का टू ही है, जब थ्री हो रहा होगा फोर हो रहा होगा तो वैसे केस में जो है आपको nth ऑर्डर का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, तो उस वैल्यू से जो है आप वहां पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए अब हम इसका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, तो वो समझते हैं। तो देखिए जब आपका a इक्वल टू वन हो जाए और b इक्वल टू जीरो हो जाए तो वैसे केस में क्या होगा, तो देखिए जब आपका a इक्वल टू वन हो जाए और b इक्वल टू जीरो हो जाए तो आपका देखिए जब आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट में पहले क्या था ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, a की जगह पे वन है और b की जगह पे जीरो, तो वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, क्योंकि हम ए एक्स प्लस बी में ए के जगह पे जो है आपका हम वन रख दिए और बी के जगह पे जीरो कर दिए, यही जो है आपका ये जो स्पेशल केस, पहले जो था आपका वो लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन था सेकंड ऑर्डर का और ये आपका है कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है आपका वो लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल केस होता है जहां पे ए का वैल्यू वन हो जाता है और बी का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो अब हम दोबारा डिराइव नहीं करने वाले, हम सिंपली जो है क्या लिख सकते हैं आपका ये ax into b dy by dx equal to a dy था, तो इस बार a के जगह पे 1 है और b के जगह पे 0 है, यानी कहने का मतलब है कि x dy by dx equal to directly 1 into dy, यानी dy हो जाएगा आपका और फिर जो है आपका इस इक्वेशन में यानी ये जो आपका वैल्यू आया है ax plus b whole square d2y by dx square equal to a square into d minus 1 y, इसको हम क्या लिख सकते हैं x square डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि आपका ए के जगह पे वन है और बी के जगह पे जीरो है इक्वल टू, फिर देखिए ये ए स्क्वायर ए के जगह पे वन है तो वन इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। तो अब आपको जो है एग्जाम में अब आपको कौन कौन सा वैल्यू याद रखना है, एग्जाम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सब्स्टिट्यूशन हम करने जा रहे हैं, देन फिर आप डायरेक्टली ये वैल्यू जो है आप इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ और इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ।
तो बस आपको इतना सही एग्जाम में याद रखना है, और ये प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे ये आपका एक्चुअली कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, क्योंकि आप इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका ए का वैल्यू 1 है और आपका बी का वैल्यू जो है वो 0 है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो आप प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो अभी आपको बताए थे कि लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल केस है कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे आपका ए का वैल्यू 1 हो रहा होगा और बी का वैल्यू 0। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला काम होगा हम लिखेंगे पुट टी इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पे आपका ए का वैल्यू 1 है, ये कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, तो ए एक्स प्लस बी और बी का वैल्यू 0 यानी टी इक्वल टू हम लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा इम्प्लाइज है एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टी। अब देखिए अब जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, कहने का मतलब है जब आप टी इक्वल टू लॉग एक्स रखें देन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से आपका क्या हो जाएगा अभी हम आपको बताए थे वो वैल्यू जो है आपको याद रखना है, तो इसका वैल्यू जो है अभी आपका क्या आया था इसका वैल्यू डी, इसका वैल्यू जो है आपका ये डी वाई आया था, जहां पे डी का मतलब था डी बाई डी टी कैपिटल डी का मतलब, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे आपका हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। अब हम डायरेक्ट ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर देखते हैं ये क्या हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू, तो हो जाएगा आपका डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, फिर देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम डी वाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थ्री डी वाई प्लस फोर वाई इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए x के जगह पे आपका क्या है e टू दी पावर t, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t का होल स्क्वायर। तो देखिए सारे टर्म में जो है आपका y कॉमन आ रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर d इंटू डी माइनस वन माइनस थ्री डी प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस e टू दी पावर t होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो है आपका ये अब स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले जो आप सॉल्व किए थे जहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे और दोनों को ऐड करते थे, तो ये उसी फॉर्म में आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को जो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो देखते हैं। तो देखिए ये जब आपका फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर, क्योंकि डी इंटू डी आपका डी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी और माइनस थ्री डी यानी माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू वन प्लस ई टू दी पावर टी होल स्क्वायर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या, हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो यहां से आपका जो है ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलियरी इक्वेशन हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये जो है आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, जहां पे आपका ए इक्वल टू एम है और b इक्वल टू टू है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एम प्लस टू का स्क्वायर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से m का आपका दो रूट आ जाएगा यानी दो वैल्यू यानी दो इक्वल रूट आएंगे और वो क्या आएंगे टू और टू। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है वाईसी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते समय कि ये जो है आपका कैपिटल डी जो है कैपिटल डी यहाँ पे लिखे नहीं कैपिटल डी जो है आपका डी बाई डी टी था, तो आपका जो फाइनल आंसर जो हम लिखने वाले हैं वो पहले हम टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे फिर वापस से ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए फाइनल आंसर लिखेंगे। तो देखिए वाईसी जो है यहां से आपका वाईसी क्या हो जाएगा, ये रूट्स इक्वल है तो इक्वल रूट्स का हम आपको केस बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका c1 प्लस c2 x। तो देखिए अब यहां पे आपको यही ध्यान देना है, तो x के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा t इंटू e टू दी पावर mx होता था, तो m के जगह पे यहां पे तो 2 है ठीक है, लेकिन x के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा t, तो ये हो गया आपका yc का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे yp फाइंड करेंगे, तो yp भी फाइंड करने का आपको अप्रोच पता है जो पहले करते थे हम,
तो देखिए यहां से जो है आपका वाई पी फाइंड करने के लिए ये जो वाई का जो कोफिशियंट था इसको हम आरएचएस में भेज देंगे, तो वाई पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस ई टू दी पावर टी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखिए ई टू दी पावर टी का होल स्क्वायर आपका ई टू दी पावर टू टी हो जाएगा बाय डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है अलग अलग सॉल्व करेंगे। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब एक बार 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 को अलग सॉल्व करेंगे e टू दी पावर 2t बाय ये वाला टर्म प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर टी बाय डिनोमिनेटर, इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर सबका वैल्यू को मर्ज कर देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए yc का वैल्यू लिख रहे हैं, yc इक्वल टू आपका आया था c1 प्लस c2 इंटू t e टू दी पावर 2t। तो देखिए yp इक्वल टू हम लिख सकते हैं yp इक्वल टू 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 प्लस e टू दी पावर 2t बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 प्लस 2 e टू दी पावर t बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। तो ये हो गया आपका yp। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको p1 कंसीडर करते हैं, इसको p2 और इसको P3, यानी YP इक्वल टू आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा और हम P1 P2 P3 को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फाइनली जो है तीनों का वैल्यू ऐड कर देंगे और वही आपका YP हो जाएगा। तो देखिए जब आप P1 को सॉल्व कीजिएगा, P1 इक्वल टू क्या है आपका 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4। तो हम आपको बताए थे कि जब भी आपका कॉन्स्टेंट बाय एफ ऑफ डी का फॉर्म हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देखिए वन को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 0 इंटू टी। तो देखिए ये e टू दी पावर ए टी बाय एफ ऑफ डी का फॉर्म है, तो d को किससे रिप्लेस करते हैं, a से। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 0, तो d रिप्लेस हो जाएगा आपका 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, यानी ये 4 फाइनाइट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 4, क्योंकि e टू दी पावर 0 टी आपका 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4। तो P1 का वैल्यू क्या आ गया आपका, P1 इक्वल टू 1 बाय 4। अब P2 फाइंड करेंगे, तो देखिए P2 इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर 2 टी बाय डी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस 4। तो यहाँ पे जो है आपका a के जगह पे क्या है, 2 है, यानी आपका d किससे रिप्लेस हो रहा होगा, 2 से रिप्लेस हो रहा होगा। लेकिन आपको पता है कि 2 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। कहने का मतलब है जब आप t के जगह पे रखे, d के जगह पे जब आप ये वैल्यू 2 रखेगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा प्लस 4, तो ये आपको क्या दे रहा होगा, 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 8 माइनस 8 यानी आपको 0 दे रहा होगा। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर 0 मिल रहा हो तो हम आपको क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और न्यूमिनेटर में जो है एक्सपोनेंशियल के पावर में जो है आपका जो भी वेरिएबल होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है इसको लिखा जा सकता है टी इंटू ई टू दी पावर 2t बाय डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2d माइनस 4। फिर से हम क्या करेंगे, d के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका t e टू दी पावर 2t बाय, देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 जो है आपका फिर से d की जगह पे जवाब 2 रखेगा तो 2 इंटू 2 आपका मिलेगा 4 और माइनस 4, फिर से जो है आपका डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है। तो जब आपका फिर से डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है तो आप क्या करिएगा, एक और बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और न्यूमिनेटर में फिर से एक t मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को जब आप फिर से डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2d का 2 और माइनस 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो और एक t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका p2 का वैल्यू आ गया t स्क्वायर e टू दी पावर 2t बाय 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम p3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए p3 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो p3 आपका क्या, 2 e टू दी पावर t बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, 2 e टू दी पावर t बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। तो यहां पे जो है आपका a की जगह पे क्या है, 1 इंटू टी, यानी a की जगह पे 1 है, तो d आपका रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ, तो p3 आपका क्या हो जाएगा, 2 e टू दी पावर t बाय 1 स्क्वायर
माइनस फोर इंटू वन प्लस फोर, तो फोर प्लस वन फाइव और फाइव माइनस फोर आपका वन हो जाएगा, यानी ये आपका जाएगा टू ई टू दी पावर टी। तो देखिए आपका पी थ्री का भी वैल्यू आ गया, पी थ्री इक्वल टू हो गया टू ई टू दी पावर टी। देखिए अब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई इक्वल टू वाई सी का वैल्यू आप फाइंड किए, सी वन प्लस सी टू टी इंटू ई टू दी पावर टू टी प्लस, अब देखिए वाई पी, वाई पी आपका क्या था, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, यानी वन बाय फोर प्लस टी स्क्वायर ई टू दी पावर टू टी बाय टू प्लस टू ई टू दी पावर टी। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे इसको यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो dy by dx के फॉर्म में था, तो आंसर जो है आपका फाइनल सॉल्यूशन t के फॉर्म में नहीं आ सकता है। कहने का मतलब है कि वापस से आपको t के जगह पे log x रखना होगा और e to the power t के जगह पे x रखना होगा। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, अब देखिए t के जगह पे क्या रखेंगे, log x, तो सी टू log x, अब देखिए e टू दी पावर टू टी, तो e टू दी पावर टू टी को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर टी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन बाय फोर प्लस, देखिए t स्क्वायर है तो t स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, log x होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर टू टी। तो देखिए e टू दी पावर टू टी आपका जब आप दोनों को होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय टू और फिर प्लस टू इंटू e टू दी पावर टी, यानी प्लस 2x। तो ये जो आपका आया ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन जो था वो dy by dx या फिर y और x के फॉर्म में था, तो फाइनल सॉल्यूशन भी आपका y और x के फॉर्म में आना चाहिए। तो जो आपने t इक्वल टू log x सब्स्टिट्यूट किया था तो वो वैल्यू हम वापस से फाइनल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।